हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवलिंग जोन। तो आज आपको लेके चलते हैं माता मनसा देवी जी के दर्शन कराने, जो कि पंचकुला में स्थित है, नियर चंडीगढ़। पंचकुला ये हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। यहीं पे माता जी का मंदिर है। ये मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले आप पार्किंग एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे टू व्हीलर के लिए पार्किंग है 10 रुपीज, और फोर व्हीलर के लिए थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस ले जाते हैं, 10 या 20 रुपये का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था है, तो आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। और आप चंडीगढ़ या दिल्ली से आ रहे हो तो ईजिली वहाँ से बसेस लेके 43 सेक्टर से मनसा देवी जी के मंदिर का डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर है, तो आप ईजिली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आप बाया एयर आ रहे हो तो यहाँ पे नियर बाई एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और बाया ट्रेन आ रहे हो तो नियर बाई रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ रेलवे जंक्शन। तो यहाँ से वो लगभग 15 या 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लगभग आपको आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे मंदिर परिसर तक पहुँचने के लिए। मंदिर परिसर में पहुँचते ही आप वहाँ का वातावरण देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली है, बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। और सामने पहुंचते ही ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आप प्रसाद माता के लिए चुनी और अपने जूते वगैरह उतार के अपना सामान रख के आगे के लिए दर्शनों के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ में ही मंदिर में अंदर जाने का रास्ता शुरू हो जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेलिंग्स लगी हुई हैं स्टील की, जिसको पार करके वन बाई वन आगे सीढ़ियों तक पहुंचा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भक्तों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी भीड़ में लोग माता जी के दर्शन करने आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये रेलिंग बनाई गई है ताकि उनको और मेंटेन करने में ईजी रहे। तो इस रेलिंग को क्रॉस करके जब हम सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे चेक पॉइंट लगे हुए हैं, वहीं पे चेकिंग वगैरह होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं मंदिर में लेके जा रही है जो कि सिक्योरिटी पर्पज से अनसिक्योर है। माता जी के दर्शन करने के बाद ऊपर भैरव जी के दर्शन जरूर करें। ये माता के गर्भगृह से ऊपर की ओर बना हुआ है। नीचे गर्भगृह में माता जी के दर्शन मैं तो नहीं करवा पाया, क्योंकि वहाँ पे कैमरा ले जाना वर्जित है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ पे ऊपर पटियाला माता जी का मंदिर है, और नीचे जो मनसा देवी जी का मंदिर बना हुआ है, माना जाता है कि यहाँ पे सती माता का मस्तिष्क गिरा था, तभी इन्हें मनसा देवी जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये मंदिर मणिमाजरा के राजा गोपाल जी ने बनाया था। माना जाता है कि उनके किले से मंदिर की ओर 3 किलोमीटर की लंबी गुफा थी, जिससे कि यहाँ तक वो माता जी के दर्शन करने आते थे। और ये जो ऊपर मंदिर बना गया है, ये आधुनिक मंदिर बनाया गया है पटियाला माता जी का, जो कि सफ़ेद मार्बल का बनाया है। देखते ही काफ़ी सुंदर लगता है, और आप देख सकते हैं कि मंदिर का प्रांगण कितना सुंदर और मनमोहक है, जो कि सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। और मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही बड़ा वट का वृक्ष है, जिसमें काफ़ी हार और चुनरियाँ बंधी रहती हैं, जिन जिन भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे मालाएं और चुनरियाँ टांगी जाती हैं। ये आम का वृक्ष है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मंदिर का परिसर काफ़ी खुला है, और साथ में ही भक्तजनों के लिए अगरबत्तियाँ और जो जलाने के लिए स्टैंड्स बनाए गए हैं, जिसमें अलग से ही आप अपनी श्रद्धा अनुसार अगरबत्ती धूप जला सकते हैं। आप मंदिर की खूबसूरती निहार सकते हैं, कितनी मनमोहक लगती है। मैं सुबह के टाइम पे गया था तो काफ़ी भीड़ नहीं थी, मैंने अच्छे से दर्शन किए और अच्छे से सारे प्रांगण को घूमा। ये देखिए वट वृक्ष कितना विशाल है, और कितनी चुनरियाँ और हार बांधे हुए हैं लोगों ने यहाँ पे। जय माता दी। अगर आपको भी माता जी के दर्शन करने हो तो जरूर आएं माता मनसा देवी के दर्शन करने, और
बाहर आते ही जब एग्जिट गेट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक भंडार गृह है जहाँ पे आप माता जी का भंडारा लगा रहता है। मैं भी गया था सुबह के टाइम, तो सुबह पे वहाँ पे चाय और रस मिल रहे थे और साथ में माता जी के प्रसाद के चने, तो मैंने भी माथा टेका और प्रसाद खाया। और आप भी यहाँ पे आएँ, प्रसाद ग्रहण करें और जो भी आपकी श्रद्धा हो तो यहाँ पे भेंट जरूर करें। और पास में ही गेस्ट हाउस भी है, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे बुकिंग भी करवा सकते हो अगर आप किसी दूर इलाके से आ रहे हो। तो मैंने भी माता जी के दर्शन करे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।